दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश, पार्टी पुलिस को मिली सफलता। बीते दिनों पार्टी क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पार्टी पुलिस को सफलता मिली है। बीते दिनों पार्टी क्षेत्र में दो व्यक्तियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने मामला भी पंजीबद्ध किया था। तत्पश्चात अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं SDOP एडिशनल SP के मार्गदर्शन में थाना इंचार्ज पिंकी सिसोदिया के नेतृत्व में टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की तलाश की गई। आरोपी की तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम आरोपी कालाखेत में ही, तो तत्काल टीम द्वारा अथक प्रयास कर आरोपी काउसिंग पिता भुदरिया बारेला उम्र 55 साल निवासी कालाखेत एवं देवना पिता काउसिंग उम्र 28 साल निवासी कालाखेत व पेमा उर्फ पेम सिंह पिता भागड़ा बारेला उम्र 27 वर्ष निवासी चिचवानिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपी काउसिंग और देवांगिया से धारा साक्ष के आधार पर घटना में उपयोग किए गए दो कुल्हाड़ी जब्त किए जाकर न्यायालय बड़वानी भेजा गया। आपको बता दें, पिछले दिनों पार्टी के ग्राम बोकराटा में कालाखेत में दो युवकों की हत्या का मामला सामने आया था। PM के आधार पर धारदार हथियार से हत्या का खुलासा हुआ था। हत्या पुराने रंजिश के चलते हुई है, इस बात का खुलासा भी पुलिस ने किया है। क्या है पूरा मामला? मामला ये कि दिनांक 12 तारीख को जरिए फोन के हमको सूचना मिली थी कि दो व्यक्तियों की लाश काउसिंग निवासी कालाखेत घर के बाहर आंगन में एक खाट पे पड़ी है, जिसमें मैं टीम के घटनास्थल पर पहुंचे, जहां देखा गया कि दो व्यक्तियों की लाश वहीं पर खाट पे पड़ी है। FSL टीम वहाँ पे निरीक्षण किया और SDP मैडम भी आई उन्होंने, और फिर उसके PM कराया तो PM में पाया गया कि उस तो अपना जो मृत्यु हुई है वो किसी धारदार हथियार से वार करने से दोनों मृतकों की मृत्यु हुई है। मृतकों का नाम, एक का नाम साई सिंह पिता साई सिंह है निवासी चौकी, और एक का नाम मुकेश है जो भी निवासी चौकी का है। वो अपने ससुराल में आया था काउसिंग के यहाँ पर, जिसके यहाँ आया था वो काउसिंग और उसका साला दोनों ही घर से गायब थे। मामले की गंभीरता देखते हुए टीम गठित की गई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, फिर टीम में उसके जो अज्ञात आरोपी थे उनकी तलाश हेतु सतत प्रयास किए गए, जिसमें स्वतंत्र साक्षी जो छोटा साला था सकला, उसके द्वारा हमको बताया गया कि घटना दिनांक को उसके बड़े भाई देवानिया और काउसिंग ने दोनों ने मिलकर जो मृतक थे साई सिंह और मुकेश उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या का कारण ये था कि जो मृतक था साई सिंह, वो जो आरोपी हैं ये दिमाग के, उसको थोड़ा सा माइंड से कम बता था, पागल बोलता था, परेशान करता था, मारता था, और उसको उत्साहित करने में प्रेमा जो मृतक का साड़ू लगता था, प्रेमा पिता भागड़ा निवासी चिचवाने का, इसने उसको बहुत उकसाया कि उसका भी क्योंकि झगड़ा था उससे पुराना, उसने उसकी पत्नी के नाम पर गाना बना दिया था, तो इससे दोनों का विवाद हुआ था, जिसमें पंचायत बैठी थी इनकी 5,000 रुपये जुर्माना दिया था उसको और उनका समझौता हो गया था, फिर भी आपस में काफ़ी रंजिश थी। तो प्रेमा उसे जो दिवांगिया था उसे हमेशा भड़काता रहता था कि तू जब भी आए तुझे मार डालना, जब भी आए तुझे मार डालना, इस बात को उसने ध्यान रखा। उसके जिस दिन घटना दिनांक को 11 तारीख को घर आए मृतक ससुराल अपने मायने, तब उनसे ससुर से मिलने, तो उन्होंने उनको उसके पिता को बताया देवांगिया ने कि ऐसा ही मुझे सारा जीजा है मृतक ऐसे ही मुझे परेशान करता रहता है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है उसको देखते हैं। रात में उन्होंने करीबन रात के दरमियान रात में गुलाने से जो देवांगिया था उसने साई सिंह की हत्या करके गुलाड़ी मारकर सब कर दी, और जो मुकेश की हत्या उसके पिता काउसिंग ने कर दी, और दोनों घटना से मतलब घटना करने के बाद दोनों फरार हो गए। फिर उनको तो आज दिनांक को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उनसे जो हथियार था कुल्हाड़ी, दोनों कुल्हाड़ी भी रिकवर किए और उनको अभी वर्तमान में जेल तक की करा दिया। मैम आरोपी कितने थे? आरोपी इसमें 3 थे, एक का नाम देवांगिया पिता काउसिंग उम्र 28 वर्ष निवासी कालाखेत, और एक का नाम काउसिंग पिता बुधरिया निवासी कालाखेत, और एक पेमा पिता भागरा निवासी चिचवाने का था।